हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, आज मैं बना ली हूँ मटर के दाल की कढ़ी। जो इधर मैं पकौड़ी निकाल रही हूँ और इधर मैं बना रही हूँ घी। घी मेरी बनकर तैयार हो गई है, इसे ठंडा होने के बाद छानूंगी मैं। और ये मैंने मटर पीस के रख रखा है, इसका घोल बना के फिर इसका जूस बनाने के लिए रखा है पकौड़ी में डालने के लिए, तरी जो कहते हैं। और उसके बाद तो मेरी पकौड़ी बनकर रेडी हो गई फ्रेंड्स। यहाँ मैंने डाल दिया मेथी और एक तेज़पत्ता। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाला, जो कि मैंने इधर रेडी करके रख लिया था पहले से ही। अब जब तक मेरा मसाला पकेगा फ्रेंड्स, मैं इसका घोल बनाकर तैयार कर लेती हूँ। हाँ, मेरा मसाला पक गया है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर का घोल, जो कि मैंने बनाकर पहले से रेडी कर लिया है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें। अभी इसमें पानी और ऐड करना है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी उबलेगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, फिर इतना गाढ़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो पानी को आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मैं अभी इसमें और ऐड करूँगी। जितना चाहिए था उतना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अभी ये उबल के गाढ़ा हो जाएगा, तो मैंने मतलब भर का पानी ऐड कर दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी खटाई, जिससे कि इसमें खटास आएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, और ये है कश्मीरी मिर्च। अब ये धीरे धीरे पकेगी, कम से कम 15-20 मिनट धीमी आंच पर मैं इसे पकाऊंगी। और पकने के बाद एकदम गाढ़ा होकर बनकर ये तैयार हो जाएगा, यूपी स्टाइल कढ़ी हमारी। और फिर हम इसे खाएंगे चावल पराठे, किसी के साथ भी आप खाइए, पर हम तो इसे चावल के साथ खाएंगे, हमें चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तब तक ये इसको मैं ढक देती हूँ, ताकि ये धीरे धीरे धीमी आंच पे आराम से पक जाए। धीमी कर देती हूँ मैं गैस। और इधर मेरी घी भी बनकर तैयार हो गई थी, तो मैंने इसे ढक दिया था ताकि इसमें छींटा वगैरह ना आए। अब ये भी ठंडी हो गई है, तो मैं इसे छान लूँगी। अभी ठंडी नहीं हुई है, पर ठंडी होने के बाद मैं इसे छान लूँगी। तब तक अभी इसको मैं ऐसे ही ढक कर रखूँगी, ताकि इसमें कुछ पड़े ना फ्रेंड्स। बाकी तब तक मैं अपना और थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हूँ। मेरा बेटा है देखो, जा रहा है ट्यूशन। मेरी कढ़ी इधर बनकर रेडी होगी, तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी। इसमें मैंने घोला था घोल, तो ये भी गंदा है। इधर बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, ये सब साफ करूँगी। और इधर मेरी ये पकौड़ी है, जो कढ़ी में डालने के लिए रेडी करी हूँ। जब उबाल अच्छे से आ जाएगी कढ़ी में, तब मैं इसको उसमें ऐड करूँगी, अभी नहीं ऐड करूँगी। बाकी सारा काम निपटाती हूँ, तब तक मेरी कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। आप लोग भी एक बार ऐसी कढ़ी बनाकर खाइए, फिर कहेंगे वाह रे यूपी वाले, क्या कढ़ी बनाते हो आप लोग मटर की दाल से। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, पर मैं बहुत सालों बाद बनाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती थी। मम्मी से मैंने एक दिन पूछा कि मम्मी, मेरा मन कर रहा है उस तरीके की कढ़ी, जब से मैं यहाँ आई तब से नहीं खाई डेली में। तो मम्मी ने कहा, बताया कि ऐसे ऐसे करके बना लो, बन जाएगी। मैंने कहा कि बनाती थी, मैंने तो कभी बनाया नहीं। तो बताया मम्मी ने, फिर मैंने मटर की दाल भिगोई, पीसा, उसके बाद सबको रेडी करने के बाद आप लोगों को दिखाया कैसे कैसे बनाई हूँ। अब एक बार जब बनकर तैयार हो जाएगी, तब आप लोगों को चावल के साथ परोस के दिखाऊँगी फ्रेंड्स। बहुत सामान आया था जो पड़ा हुआ है, इसे मैं अभी खाली करूँगी डिब्बे में। चीनी वगैरह है, चने, राजमा, ये सब चीज़ें हैं, ख़त्म था तो ये मैंने थोड़ा बहुत मंगाया। वैसे मेरा राशन महीने का आता है, पर ये थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था, तो मैंने पहले ही मंगा लिया है। इन सबको मैं खाली करूँगी और घर समेटूँगी। घर बहुत फैला हुआ है, बच्चे देखो खा पी के अपना इधर उधर बोतल वगैरह सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं टेबल पर। जो मैं उठाऊँगी, चाय का गिलास है, बोतल है, ये सब चीज़ें हैं जो मैं समेट कर फ्रेंड्स लिए। आप लोग देख सकते हैं मैं किस पोजीशन में हूँ, गर्मी के मारे हाल बुरा है, और हालत भी देख सकते हैं आप लोग कि मैं किस तरीके से हूँ। तो अभी मैं घर का काम निपटाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।